हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 40, वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं पहले हम ये पढ़ लेते हैं। अ वर्ब एक्सप्रेसेस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, और व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज। वर्ब वो होती है जो हमें बताती है कोई पर्सन या थिंग क्या है, उसके बारे में बताती है कि क्रिया क्या हो रही है, क्या काम किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल है, ज्योति प्लेज द पियानो, क्या काम हो रहा है, प्ले। शशि गोज टू स्कूल, गो। द बेबी इज क्राइंग, इज क्राइंग क्या हो गया, वर्ब। तो ये होती है मेन वर्ब जो हमें इंफॉर्मेशन देती है सेंटेंस के बारे में। द बॉय प्लेज इन द गार्डन, प्ले। ज्योति गोज टू स्कूल, गोज। शी स्टडीज वेरी हार्ड, स्टडीज। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये सारी क्या होती है, हमारी वर्ब। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए, आप रीड कर लीजिए। नेक्स्ट कुछ वर्ब हमें ये भी बताती है कि पर्सन थिंग क्या है, इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, क्या है वो। तो जो चीज वो बताती है वो भी हमारी वर्ब होती है, मतलब हमें वर्ब कौन सी फॉर्म हो रही है वर्ब की, यूज हो रही है, वो भी वर्ब के अंडर आते हैं। सरीना एंड टीना हैव अ न्यू पेट, हैव क्या हो गई, वर्ब। द डॉग हैज अ स्मॉल टेल, हैज क्या हो गया, हैज क्या हो गया हमारी वर्ब। हैज हैव दोनों क्या कर रहे हैं, रीना एंड टीना को बिलोंग कर रहे हैं, ये डॉग को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, वर्ब। यहाँ पे कुछ और वर्ब्स हैं जिनके आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे शी राइट्स गुड स्टोरीज, आई हैड मेड पिज्जा फॉर यू, He will be leaving for Australia today. So will be leaving. Meena to school. ये देखो ये incomplete sentence है। अगर हम verb हटा देंगे ना sentence में से तो क्या होगा, sentence का कोई meaning नहीं बनेगा। जैसे Meena to school, क्या Meena to school? Meena is going to school. Is going से मिलके sentence का एक meaning बना। Tanya pretty. Tanya is pretty. ठीक है, तो इस क्या हो गई, वर्ब, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, मदद करती है सेंटेंस को कंप्लीट करने में। अब नीचे एक्सरसाइज गिवन है जिसमें आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। द बर्ड इज बिल्डिंग इट्स नेस्ट, बर्ड क्या कर रही है, अपना नेस्ट बना रही है। तो इज बिल्डिंग क्या हो गया हमारा, वर्ब। द स्पाइडर वॉज टिनी एंड ब्लैक, स्पाइडर कैसे है, द स्पाइडर वॉज टिनी एंड ब्लैक, तो वॉज क्या हो गई, वर्ब। Give me the iPad. Give क्या हो गया, verb. Meena will help us with the work. Meena क्या करेगी, help us, will help, हमारी मदद करेगी काम में, तो will help क्या हो गया, verb. They are good in science. Are क्या हो गई, verb हमारी। ऐसे इधर आपको सेंटेंस में क्या करना है, I will tell the good news to Meena. Will tell. Jyoti lived in Mumbai. Lived. We have a new house. We have. Her parents are very happy with her progress. Are. I had an ice cream yesterday. Had. The boy is crying. Is crying. I am hungry. Am. We write letters to our friends in the USA. Write. We are celebrating Vita's birthday. Are celebrating. She comes to school on her bicycle. Comes. Next, आपको ये verb नीचे next देखिए, इसमें first A वाले में तो आपको सिर्फ only वर्ब्स को अंडरलाइन करना था सेंटेंस को रीड करके। अब जो बी वाला है इसमें आपको अंडरलाइन तो करना ही है, साथ ही साथ आपको एक्शन भी लिखना है। अगर उसके अंदर एक्शन लिखना है, अगर उस सेंटेंस में कुछ एक्शन की तरफ इंडिकेट किया जाए, बींग लिखना है अगर वो हमें बता रहा हो कि पर्सन कैसा है तो बींग लिखेंगे, एंड बिलोंगिंग मतलब कि किसी दूसरे पर्सन के बारे में कि वो कैसा है, किस तरह का है, ठीक है। You are a good human being. Are हो गई हमारी verb and हम किसी की quality बता रहे हैं तो being. The police run up and downstairs. Ran. Police भाग रही है, action हो रहा है तो action. She has long hair. उसके पास long hair. किसी और की बात की जा रही है, belonging. I completed my homework. Completed action. काम कर लिया, हो चुका. She Ria goes to school every day. जाती है, action. My cat has a bushy tail. मेरी cat के पास कैसी tail है? Bushy. Belonging. She is a dancer by profession. Only इस पर आएगा. आप पे नहीं आएगा, सिर्फ इस पे. Bing.
क्वालिटी बता दी ना हमने, जब हम किसी की क्वालिटी बता दे कि वो ऐसा है तो क्या हो जाएगा, बीन। प्लीज ओपन द डोर, एक्शन, एक तरह से हम उसे करने को कह रहे था, ठीक है। तो ओपन क्या हो गया, वर्ब, एंड कौन क्या लिखेंगे, एक्शन। नेक्स्ट सी पार्ट, द फॉलोइंग वर्ड्स आर नाउन, राइट वर्ब्स मैचिंग देम, वन ऑफ देम, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको यहाँ पे नाउन्स गिवन है, आपको वर्ब बनानी है, एक आपके लिए डन है। सिंगर्स का क्या हो गया, सिंग। टीचर्स का क्या हो गया, टीच। वाटर का, फ्लोस। राइट्स का, राइट। सोल्जर्स का, फाइट। पेंटर का, पेंट। बर्ड्स, फ्लाई। स्टार, शाइन। स्टूडेंट, स्टडी। प्लेयर्स, प्ले। ठीक है, तो ये सारी हमने वर्ब्स बनाई है, और ये जो हमें गिवन थे ये थे सारे नाउन्स। नेक्स्ट देखिए, आपको जो ब्रैकेट में गिवन है ना, अनस्क्रैम्बल, ये उल्टा सीधा गिवन है, आपको उसको सी अरेंज करके वर्ड बनाना है और फिल करना है। आई डैश एन एप्पल एवरी डे, आई ईट एन एप्पल एवरी डे। द वॉशरमैन यूजली डैश अवर क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, वॉशर्स। वी डैश काइट्स ऑन वीकेंड्स, फ्लाई। द बेबी क्राइज व्हेन इट इज हंग्री, सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया। मोहन राइट्स वेरी नीटली, कि मोहन कैसा लिखता है, नीटली। द लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर वी रीड बुक्स, लाइब्रेरी कैसा प्लेस है जहां पे हम बुक्स रीड करते हैं। आई वॉच कार्टून्स ऑन द टेलीविजन। नेक्स्ट, मदर कुक्स गुड फूड फॉर एवरी फूड एवरी डे, तो इसका ये यहाँ पे गिवन है, इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो कुक्स हो जाएगा। सोनू पेंट्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स, सोनू क्या करती है, ब्यूटीफुल पिक्चर्स पेंट करती है। नेक्स्ट है आपका क्रॉसवर्ड, ये लास्ट है आपका, इसमें आपको सेंटेंसेस फिलअप्स गिवन है, उसको रीड करके जो सुटेबल वर्ड हो यहाँ पे फिल करना है। वी डैश लेटर, राइट। वी डैश द बाइसाइकिल, राइड। डोंट डैश इन क्लास, टॉक। द स्टोरी सिंक व्हेन यू डैश डैम इन वाटर, द स्टोन सिंक व्हेन यू डैश डैम इन वाटर, थ्रो। नेक्स्ट है वी डैश बुक, वी डैश बुक्स इन द लाइब्रेरी, रीड, यहाँ पे फिल कर देंगे रीड। दे डैश देयर ब्रेकफास्ट एट 7 AM, ईट, EAT। द स्टूडेंट्स रीच स्कूल एट 8 AM, रिच। डोंट एंटर माई रूम विदाउट माई परमिशन, एंटर। यू नीड टू टेक हर परमिशन टू एंटर द लाइब्रेरी, में तुम्हें उसकी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी एंटर लाइब्रेरी में एंटर करने के लिए, टेक। दे वॉच मूवीज ऑन फ्राइडे, क्या कर रहे हैं, वो मूवी देख रहे हैं फ्राइडे में, वॉच आ जाएगा इधर। तो ये था आपका लेसन नंबर 14 वर्ब्स, यहाँ पे आपका लेसन नंबर 14 डन होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।